फिर गाइस आज का जो वीडियो कुछ कोई मतलब स्टोरी टेलिंग वीडियो फिर जो व्लॉग वीडियो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। मैं बस आप लोग से पूछना चाहता हूँ, फ्लिपकार्ट का बिग बिलियन डे आने वाला है 26 तारीख से और अमेजोन का ग्रेट इंडियन फेस्टिवल भी आने वाला है, तो इसमें फोन के रेट भी होंगे वो भी काफी ज्यादा गिरेंगे, तो फिर मैं कौन सा फोन प्रेफर करूँ अपने व्लॉगिंग के लिए? भाई आईफोन 15 प्लस है, आईफोन 14 प्लस है और सैमसंग का गैलेक्सी S23 अल्ट्रा है। ये तीनों फोन जो मेरे को पसंद आ रहे हैं, लेकिन भाई इनमें से प्रॉपर मैं कौन सा फोन लूँ जिसका कैमरा अच्छा हो, जो नाइट मोड में, जो नाइट में अच्छा शूट करे, जो दिन में अच्छा शूट करे, जो थंबनेल अच्छा क्रिएट कर दे, तो आप लोग मेरे को कमेंट करके बताओ कि मैं कौन सा फोन कंसीडर करूँ। मैंने तो आप लोग को बता दिया कि मेरे को जो तीन फोन है वो पसंद आया है, मेरे को स्पेशली अपने ब्लॉग के लिए ही चाहिए फोन। ये वाला जो मेरा फोन है वीवो का V25 Pro, इसका भी कैमरा नो डाउट है बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें क्या है सिनेमैटिक नहीं है, सिनेमैटिक मोड इसमें नहीं है। इसका 4K 60fps में जो शूट होता है वो भाई 1x में होता है, 0.5x या 0.6x में नहीं होता। वो मेरे को उन सारे फोन में मतलब देखने को मिल रहा है, मैंने प्रॉपर जाके शॉप में देखा भी था, तो मेरे को बस ये तीन फ़ोन ही पसंद आए थे। प्रॉपर मैं कौन सा फ़ोन लूँ अपने व्लॉगिंग के लिए, क्योंकि मेरे को पता है मैं भाई बहुत सारे मेरे को शूट करने पड़ते हैं, जैसा कि छोटे छोटे क्लिप्स जो 2 सेकंड 4 सेकंड 1 सेकंड के रहते हैं, वो सारी चीज़ें मैं मतलब वो सारे शॉट में लेता हूँ और उसको बीच बीच में लगाता हूँ, जिससे व्लॉग थोड़ा इंटरेस्टिंग बनता है। तो उसके लिए कौन सा फ़ोन सबसे अच्छा रहेगा उसको आप लोग मेरे को कमेंट करके बताओ, और जिसका सबसे ज़्यादा कमेंट आएगा, वैसे तो ज़्यादा कमेंट मेरे वीडियोस में आता नहीं, कुछ कुछ में आता है बस, तो फिर कमेंट करके आप लोग मेरे को बताओ जो फ़ोन में सबसे ज़्यादा, इस फ़ोन के लिए सबसे ज़्यादा वोट मिलेगा या फिर जो फ़ोन सबसे कम रेट में मिलेगा उस फ़ोन को मैं लूँगा भाई। और फाइनली बिग बिलियन डे में ही मेरे को फ़ोन लेना है, क्योंकि कह रहा है मैं अभी कुछ जगह ट्रैवल भी करने वाला हूँ, आप लोगों ने बताया भी था, तो फिर मेरे को बस ट्रैवलिंग के लिए और ये सब के लिए फ़ोन चाहिए, तो फिर कौन सा फ़ोन कंसीडर करूँ उसको आप लोग मेरे को नीचे कमेंट करके बताओ।